गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ फार्मूला फॉर हाफ साइड। ये स्फेरिकल ट्रायंगल का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इससे पिछले वीडियो में आप पढ़े हुए हैं फार्मूला फॉर हाफ एंगल, यहाँ पढ़ना है फार्मूला फॉर हाफ साइड। देखिए, हमको कहता है क्या कोई स्फेरिकल ट्रायंगल है ABC जिसमें हमको प्रूव करना है साइन स्मॉल a बाई टू। आप जानते हैं स्मॉल का मतलब हो गया आपका क्या, साइड में होता है, और कैपिटल रहेगा तो वो एंगल हो गया आपका। तो ये कह रहा है आपका साइन स्मॉल a बाई टू इसका वैल्यू, कॉस स्मॉल a बाई टू और ये टेन स्मॉल a बाई टू इसका वैल्यू हमको निकालना है। हाँ, अब देखिए इसमें यहाँ पे पहले हमको निकालना है साइन स्मॉल a बाई टू। इसके लिए क्या किए, हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई स्फेरिकल ट्रायंगल है। कोई स्फेरिकल ट्रायंगल हम ले लिए, ए है, बी है, ये सी है, कोई स्फेरिकल ट्रायंगल है जिसमें ये आपका स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। आपको कह रहा है साइन स्मॉल a बाई टू का वैल्यू निकालिए। लिखेंगे लेट अस सपोज डैट, लेट अस सपोज डैट ए बी सी बी एनी, ये कोई स्फेरिकल ट्रायंगल हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल हैं, ए बी सी कोई स्फेरिकल ट्रायंगल हैं। अब इसमें हमको निकालना है साइन स्मॉल a बाई टू, कॉस स्मॉल b बाई टू और साइन टेन स्मॉल a बाई टू इसका वैल्यू। अब देखिए इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉस स्मॉल a का वैल्यू आप जानते हो, सिंस लिखेंगे सिंस वी नो डैट कॉस स्मॉल a, ये बराबर होता है कॉस स्मॉल a का वैल्यू होता है कितना, ये होता है कॉस एंगल में a प्लस कॉस b कॉस सी बाई में हो गया साइन बी और साइन सी। ये तो यहाँ से इसका हो गया आपका कितना, कॉस ए का हो गया, फार्मूला पढ़े हो साइन के रूप में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू हो गया आपका ये कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी बाई में आ गया आपका साइन बी साइन सी। ये यहाँ से अब हमको लेना है क्या, हमको लेना है टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगर ये निकाले टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये राइट साइड ले गए, इस सबको लेफ्ट साइड ले आए तो वन माइनस ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी, सब आपका एंगल में है बाई में साइन बी इंटू साइन सी। ये एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया आपका साइन बी साइन सी। ये इधर आ गया आपका एलसीएम लेने पे ऐड माइनस कर रहे हैं तो साइन बी साइन सी, ये माइनस में आ गया आपका कॉस ए और माइनस में हो गया कॉस बी कॉस सी। ये सिर्फ हम एलसीएम लेकर चल रहे हैं। फिर देखो आप यहाँ माइनस कॉमन ले लिए अगर ऊपर में, और ये आ गया आपका कॉस बी कॉस सी, और ये माइनस में आ गया आपका साइन बी साइन सी, दोनों को एक में ले लिए और माइनस रह गया कॉस ए अकेला, बाई में आप लिखिए इसको ये साइन बी है और साइन सी है। फिर आप पढ़े हुए हैं कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, इसका फॉर्मूला होता है कितना, ये हो जाता है कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस ए, नीचे में आ गया आपका साइन बी और साइन सी। ये इसके बाद आप जानते हैं कि कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका वैल्यू यहाँ लगाए इसमें, देखिए फिर इसके बाद आ गया हमारा ये इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी का वैल्यू आप पढ़े हुए हो, ये होता है टू कॉस टू, ये कॉस ए माइनस कॉस बी हैं तो ये यहाँ पे आप माइनस कॉमन लिए हैं तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी हो गया टू कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी ये आ गया ए प्लस बी बाई टू इन टू में
कॉस ए माइनस बी, तो बी प्लस सी माइनस ए बाय टू आ गया। और नीचे में रह गया आपका कितना, तो ये साइन बी और साइन सी, ये रहा कितना आया। यहाँ से हम क्या किए, इधर क्या है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका, तो टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, तो ये दो दो आपका कट गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए बाय टू इक्वल टू इधर माइनस में कॉस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पढ़े हो 2s बाई टू, इधर भी आ गया आपका b प्लस सी का वैल्यू रखे तो 2s माइनस 2a बाय टू ये। और नीचे में आपका क्या है, तो साइन b साइन c। अब यहाँ पे इसको काटे तो ये आ गया माइनस कॉस s इंटू कॉस, ये हो गया s माइनस a बाय में हो गया साइन b और साइन c ये, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है आपका साइन स्क्वायर ए बाई टू का, स्मॉल में ए बाई टू है इसका वैल्यू। तो यहाँ से ये है आपका साइन स्क्वायर स्मॉल में ए बाई टू का वैल्यू, ये सब इक्वल में आ रहा है आपका। तो यहाँ से यदि हम साइन ए बाई टू निकालें तो ये रूट में आ गया, रूट में आ गया माइनस कॉस एस इंटू कॉस, ये हो गया एस माइनस ए बाय साइन बी इंटू में साइन सी ये। हाँ, इसी प्रकार सिमिलरली हम निकाल लेंगे, सिमिलरली किसका, तो ये साइन बी बाई टू का वैल्यू, तो साइन बी का बाय टू का वैल्यू हो गया माइनस कॉस एस इंटू कॉस, ये एस माइनस बी होगा यहाँ पे, और नीचे में आ गया आपका साइन ए इंटू साइन सी। फिर ऐसे ही आप निकालोगे साइन सी बाई टू, स्मॉल में सी बाई टू का वैल्यू, ये हो गया माइनस कॉस एस इंटू कॉस, ये हो गया एस माइनस सी बाई में हो गया आपका साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी ये। तो इससे हम यहाँ पे निकालना जान गए कि साइन स्मॉल ए बाई टू, साइन स्मॉल बी बाई टू और साइन स्मॉल सी बाई टू का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे इसी में कि कॉस का वैल्यू, कॉस स्मॉल ए बाई टू, कॉस स्मॉल बी बाई टू और कॉस स्मॉल सी बाई टू, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए कॉस में फिर चलिए, अब यहाँ पे हमको सेकेंड निकालना है, सेकेंड आपको निकालना है कि कॉस स्मॉल में ए बाई टू इसका वैल्यू होना चाहिए आपको, ये कॉस यहाँ पे आ गया आपका एस माइनस एस माइनस बी इंटू कॉस, ये एस माइनस सी बाई में होना चाहिए साइन बी इंटू साइन सी, ये हमको प्रूव करना है कॉस में, इसको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ से इसके लिए हम क्या किए, तो फिर आप जानते हो सिंस वी नो डैट कॉस स्मॉल ए का वैल्यू जो है ये होता है आपका कॉस एंगल में ए प्लस कॉस बी कॉस सी बाय में हो गया आपका ये साइन बी इंटू साइन सी, ये कॉस एंगल ए प्लस कॉस बी कॉस सी बाय साइन बी साइन सी ये। तो यहाँ से आप इसको लिखे, ये आ गया कॉस ए का वैल्यू, कॉस के रूप में पढ़े हो, ये होते हैं टू कॉस स्क्वायर स्मॉल ए बाई टू माइनस वन, ये यहाँ आ गया आपका ये क्या, ये पहले से ही है कॉस ए कॉस बी कॉस सी बाय में हो गया आपका साइन बी इंटू साइन सी ये। अब हम क्या करते हैं, ये वन जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो राइट हैंड साइड ले गए तो आ गया टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ये स्मॉल में चल रहा है आपका स्मॉल ए बाई टू इक्वल टू हो गया वन प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में कॉस सी बाई में आपका क्या है, तो साइन बी इंटू साइन सी। फिर देखिए ये आ गया टू और टू कॉस स्क्वायर स्मॉल ए बाई टू, साइड में यहाँ एलसीएम लिए तो एलसीएम लेने पे साइन बी साइन सी, एलसीएम लिए तो यहाँ आ गया साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी ये। अब देखिए फार्मूला पे लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस ए
मैंने कॉस बी इंटू कॉस सी और साइन बी इंटू साइन सी को एक मिलिए, तो कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी एक में ले लिए, प्लस में रह गया कॉस ए, बाई में आ गया आपका ये साइन बी इंटू साइन सी। अब आप फार्मूला पढ़े हुए हो, इसका फार्मूला क्या होता है, ये आ गया कॉस बी माइनस सी, आप प्लस में आ पाइए कॉस ए है, बाई में हो गया साइन बी इंटू साइन सी, ये इसमें हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिर वही कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला जो पढ़े हैं वो यहाँ लगाएंगे, वो यहाँ लगाए हम, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यही रहा लेफ्ट हैंड साइड में रहा टू कॉस स्क्वायर स्मॉल ए बाय टू, और राइट हैंड साइड में आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला टू कॉस ए प्लस बी, ए ये है आपका प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये आप लिख लो ये बी माइनस सी माइनस ए बाय टू, ये आया बाय में पहले से आपको दिया हुआ है साइन बी और साइन सी, ये तो ये दो दो आपका कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाय टू, ये इधर हो गया आपका कॉस ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, इसको भी अगर आप अरेंज करोगे माइनस कॉमन ले लिए तो ए प्लस सी माइनस बी बाई टू, ये आया बाई में हो गया आपका कितना, तो ये साइन बी और साइन सी, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, वो जो लिए थे आप कैपिटल एस का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू वो रखें, आप जानते हो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही शुरू में ही कि सिंस 2s इक्वल टू क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी, ये तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ से आ गया आपका कितना, ये cos स्क्वायर a बाई टू, इसका वैल्यू हो गया cos ये 2s माइनस टू सी बाई टू, ये आया यहाँ आ गया cos 2s माइनस टू बी बाई टू, जब ये वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू रखें तो इतना आ गया, बाई में हो गया बाई में ये पहले से ही है आपका साइन बी साइन सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो कॉमन लेकर हम काट दिए तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर स्मॉल ए बाई टू इक्वल टू, यहाँ आया कॉस यस माइनस कैपिटल में सी और कॉस यस माइनस कैपिटल में बी, अब बाई में हो गया आपका ये साइन बी इंटू साइन सी, ये यहाँ यहाँ से यदि हम कॉस ए बाई टू का वैल्यू निकाले, अब यहाँ स्क्वायर में था ऊपर में, अब आ गया ए बाई टू, तो ये रूट में आ गया, रूट में आ गया, इसको अरेंज कर लिए, पहले बी लिखे फिर हम सी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे होगा, इन टू में आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आ गया आपका, तो कॉस ए बाई टू आ गया। सेम ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये हम लोग निकालेंगे क्या, तो ये कॉस बी बाई टू का वैल्यू, तो कॉस बी बाई टू के रूप में तो ऊपर में आपका ए सी आएगा, जैसे कॉस ए एस माइनस ए कॉस ए एस माइनस बी सी, देखिए ए लिए हैं तो यहाँ ए वाला टर्म नहीं है, वैसे ही बी लेंगे तो बी वाला टर्म नहीं होगा, और नीचे में यही साइन में आ जाएगा साइन ए साइन सी। इसी प्रकार अगर आप कॉस का निकालना चाहो ये सी बाई टू, तो ये आ जाएगा कॉस सी बाई टू का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा रूट में कॉस यस माइनस ए, और ये कॉस हो जाएगा आपका यस माइनस बी, सी वाला टर्म इसमें भी नहीं रहेगा, ये साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग कॉस का जो साइड में होते हैं कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू वो भी निकाल लिए, इसमें हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब रहा आपका टेन का वैल्यू, टेन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन का ए बाई टू टेन का बी बाई टू और टेन सी बाई टू स्मॉल में साइड में कैसे निकालते हैं, तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए हमको साइन और कॉस दोनों का वैल्यू याद रहना चाहिए, अगर वो याद है तो वो आराम से हम निकाल लेंगे। जैसे हमको कहा यहाँ पे निकालना है हमको थर्ड नंबर क्या था टेन, तो टेन स्मॉल में ए बाई टू इसका वैल्यू निकालना है, तो टेन का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, टेन होता है साइन में साइन बाई कॉस, ये अब साइन का वैल्यू भी आप पढ़े हुए हो, अभी पढ़े थे साइन में होता है माइनस कॉस एस इंटू कॉस एस माइनस ए,
और नीचे में आपका आ गया साइन बी इंटू साइन सी, ये साइन का पढ़े थे। फिर ऐसे ही कॉस का अभी आप पढ़े हुए हो, ये होता है कॉस एस माइनस बी इंटू कॉस एस माइनस सी, नीचे में रह गया आपका साइन बी इंटू साइन सी, ये साइन और कॉस दोनों का वैल्यू दे दिए। अब आप देखिए नीचे में जो आपका है ये साइन बी साइन सी दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, हट गया तो अब क्या बचा, ऊपर में बचा आपका माइनस में कॉस एस इंटू कॉस ये एस माइनस ए, और नीचे में रह गया आपका कॉस ये एस माइनस बी इंटू में कॉस एस माइनस सी। बड़ा ही आसान है अगर हमको साइन और कॉस का फॉर्मूला याद है तो। अब यहाँ देखिए टेन ए बाई टू निकाल लिए, सिमिलरली आप याद रिमाइंड कर लोगे, सिमिलरली हमको निकालना होगा अगर टेन बी बाई टू, तो टेन बी बाई टू हो जाएगा रूट में माइनस ये कॉस या सब में रहेगा, यहाँ कॉस ए लिए हैं तो ए लिए हैं, यहाँ बी है तो बी लेंगे, और नीचे वाले टर्म में बी नहीं रहेगा, मतलब ये एस माइनस ए होगा, और साइन ये साइन हट गया, साइन नहीं रहता है कॉस रहता है, ये कॉस एस माइनस ए और कॉस एस माइनस सी रहेगा। ऐसे ही एंड अगर टेन सी बाई टू लेंगे तो टेन सी बाई टू ये हो गया आपका माइनस कॉस एस इंटू कॉस एस माइनस सी, बाई में आ गया आपका ये कॉस एस माइनस ए और कॉस एस माइनस बी, ये आया। तो आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप यहाँ एक टाइप देख लिए हैं a by 2 तीनों फंक्शन में साइन कॉस टेन में निकालना जान लिए हैं। आप लोग क्या करिएगा, घर पे इसी प्रकार आप बनाने की कोशिश करिएगा, साइन b by 2 का वैल्यू, साइन c by 2 का वैल्यू, कॉस b by 2 का वैल्यू, कॉस c by 2 का वैल्यू, हाँ टेन b by 2 का वैल्यू और टेन c by 2 का वैल्यू। इस प्रकार स्फेरिकल ट्रायंगल का एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आप सबके लिए उपयोगी हैं और एक्सरसाइज बनाने में इस सब का काम आएगा, यूजफुल है, ये हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें फिर हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।